वेलकम बैक। तुर्की में तैयार होने वाला पाक बहरिया का पहला मलजम बाबर क्लास जहाज PNS बाबर पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। जहाज की पाक बहरिया में इंडक्शन की तकरीब भी जल्द मुनाकिद की जाएगी। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज पाक बहरिया में शामिल किए जा रहे हैं। 2 जहाज इस्तंबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। तुर्की में तैयार होने वाला PNS बाबर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। इस्तांबुल में तुर्क हुकाम ने PNS बाबर को पहले सफर पर रवाना किया। PNS बाबर की कमिशनिंग तकरीब गुज़श्ता बरस सितंबर में हुई थी। जहाज की पाक बहरिया में इंडक्शन की तकरीब भी जल्द मुनाकिद की जाएगी। PNS बाबर की तामीर का आगाज 4 जून 2020 को हुआ था। 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। कमिशनिंग 23 सितम्बर 2023 को हुई। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज पाकिस्तान बहरिया में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। बाबर क्लास के 3 दीगर जहाज PNS बदर, तारिक और खैबर इस वक्त तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। बाबर क्लास जहाज बयक वक्त सतयाब, जेरे आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। 2,888 टन वजनी बाबर क्लास जहाज पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए फिजा में अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया